इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शहरों के नाम में बदलाव को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नाम बदलने को लेकर खर्च की जा रही धनराशि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च की जाती तो देश के हालात में बदलाव आता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री राजभर ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, भारत गंगा जमुना तहजीब पर बना है, उतना खर्च उनके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में सुधार और गरीबी के कल्याण में तेजी लाई जाती तो देश के हालात में बदलाव आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जनवरी से शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होंगे। ये बात उन्होंने सोमवार को वाजिदपुर सभा के दौरान मंच से कही है। हालांकि दिसंबर में भी उनका आगमन संभावित है। इसको लेकर प्रशासन अब इस मंथन में जुटा हुआ है कि ऐसी कौन सी परियोजना है जिनका शिलान्यास और लोकार्पण उनके हाथों से किया जा सकता है। अभी सूची बन रही है लेकिन कई योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है। उगते सूर्य देव को अर्घ देने के समय छठ घाट पर आते जाते विभिन्न जिलों में हुए हादसों में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके चलते कई जगह अफरा तफरी और जाम जैसे हालात बने। देवरिया के पगरा परसिया गांव में सड़क किनारे छठ घाट पर सूर्यदेव को अर्घ देने पहुंची महिलाओं के बीच भीड़ में स्कॉर्पियो घुस गई। इससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने 4 लोगों को BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद चालक घाट के किनारे गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और कार चालक की तलाश में लगी हुई है। अयोध्या से आने जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बुधवार खुशी का दिन रहा। यहां करीब 107 करोड़ की लागत से मॉडर्न रेलवे स्टेशन विकसित किया जा रहा है। इसका विस्तारीकरण और उच्चीकरण होना है। सांसद ललू सिंह ने इसके लिए बुधवार को भूमि पूजन किया और साथ ही बता दें कि बुधवार को ही अयोध्या के लिए दिल्ली से श्री रामायण एक्सप्रेस चलाई गई। ये ट्रेन गुरुवार को सुबह 4 बजे अयोध्या पहुंची, जिसके बाद इस ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। गाजियाबाद में हुई बड़ी लूट की घटना के बाद शासन ने वहां से SSP भव्य किश्त को हटा दिया है। उनके स्थान पर सहारनपुर के SSP उपेंद्र अग्रवाल को गाजियाबाद का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। शामली के SP दिनेश कुमार पी को सहारनपुर और PAC बरेली में तैनात अजय कुमार को शामली का SP बनाया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम गाजियाबाद में एक ज्वेलर से बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस घटना से मुख्यमंत्री बेहद खफा थे, जिसके बाद ये बड़ा फेरबदल हुआ। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।